Oh my God. आपने सही सुना, हमने अनअकैडमी पे भी 4 महीने के इंटर्नशिप किए हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे इस एजुकेशनल डिजायर चैनल पे मिल जाएगी। हम बात करते हैं PW यानी कि फिजिक्स वाला। आप सभी को पता है फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है। Yes. और आप सभी लोग भी टीचर बनना चाहते होंगे फिजिक्स वाला पे, बट आप सभी को प्रोसेस नहीं पता कि क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो आइए आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि क्या कोई वैकेंसी चल रही है फिजिक्स वाला में, क्या 9 to 12 बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई वैकेंसी चल रही है, 6 to 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई वैकेंसी चल रही है, और अगर चल रही है तो जी हाँ यही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे, क्या आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस मानी जाएगी, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी फिजिक्स वाला में अप्लाई करने के लिए, और किन किन कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्या ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है या आपको PW के स्टूडियो में करना होगा, किस जगह पे करना होगा, कहाँ से अप्लाई करना होगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फिजिक्स वाला में सबसे पहले आपको प्री फाउंडेशन फैकल्टी अभी हायरिंग चल रही है, मतलब आपको मैथ्स यहाँ पे पढ़ाना होगा। और अगर मैं बात करूं तो ये टोटल प्री फाउंडेशन है, क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होगा, और अभी सिर्फ 1 वैकेंसी है, तो अभी लूट मार चल रही है, आप लोग जल्दी जल्दी से अप्लाई करिए, ठीक है। और अब एप्लीकेशन इसमें कैसे करना है आपको मैं बता रही हूँ, 1 दिन पहले की जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है। तो अभी आप देखना है एप्लीकेशन के लिए, सबसे पहले इसमें डेमो वीडियो सबसे एसेंशियल पार्ट है, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग, आपके प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डेमो के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम पुटअप करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम पुटअप करना है, इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे पुटअप करनी है, एंड देन फोन नंबर, जिस फोन नंबर से आप शॉर्टलिस्ट होगे तो अनअकैडमी सॉरी PW की टीम, मेरे मुंह से अनअकैडमी बार बार आ रहा है बिकॉज हमने वहां पर इंटर्नशिप किया है, तो कई वीडियोज हमने उसके बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोन नंबर भी अपना यहाँ पे पुट अप कर देना, एंड देन आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाह रहे हो, जाहिर सी बात है कि मैथ्स के लिए अभी वैकेंसी चल रही है, तो 6 to 8 क्लास के मैथ्स को आपको मैथ्स पढ़ाना है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपकी कितनी है टीचिंग फील्ड में, तो आप यहाँ पे पुट अप कर देना जो भी आपकी एक्सपीरियंस होगी, ठीक है, बिल्कुल थोड़े बहुत एक्सपीरियंस, आपने ट्यूशन पढ़ाया है, कोई कोचिंग में पढ़ाया है या किसी भी स्कूल में पढ़ाया है, तो आप 1, 2, 3 पे कर देना, अदरवाइज यू कैन चूज योर प्रेफरेंस, ठीक है। कितने नोटिस पीरियड आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो, या 7 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर, ये चीजें यहाँ पे पुट अप कर देना। क्या आपको कोई फाउंडेशन क्लासेस में आपने ऑनलाइन एडटेक कंपनी में पढ़ाया है, जैसे कि अनअकैडमी में पढ़ाया, तो यस आई हैव डन द इंटर्नशिप एट अनअकैडमी, ओके, तो यहाँ पे आप यस अदरवाइज नो यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हो, ठीक है। अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं आप वर्क कर रहे हो, जी नहीं, अगर नहीं तो नल लिख देना यहाँ पे, अदरवाइज जैसे कि अनअकैडमी लिख दो, जहां पे भी किया है आपने अभी या फिलहाल आप जहां पे कर रहे हो। आपकी करंट CTC लैक्स में कितनी है, मतलब कि आपको सालाना कितने लाख रुपए अभी करंट, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो कितने मिल रहे हैं, 5 लाख, तो आप यहाँ पे 5 पुट अप कर देना। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे आप पुट अप कर देना। इसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर, ठीक है, वो यहाँ पे आपको पुट अप करना है। एंड देन करंट रेसिडेंशियल एड्रेस विद पिन कोड, मतलब अभी आप जहां पे आपका रेसिडेंस है, जहां रह रहे हो, पिन कोड के साथ वो यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना अगर आप बाहर रह रहे हो, जहां पे आप अभी प्रेजेंट में पढ़ाओगे वहां का एड्रेस आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। रिज्यूमे आप गूगल पे जा करके फ्री रिज्यूम सर्च करके कुछ अपने डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर देना रिज्यूमे में, और आपका एक रिज्यूम का PDF बन जाएगा जो कि 100 MB का होना चाहिए, वही रिज्यूमे आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। इसके बाद डेमो वीडियो लिंक, इट शुड बी इन स्टैंडिंग एंड इन एनर्जेटिक वे, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में आप खड़े होकर के एक व्हाइट बोर्ड के सामने आप अच्छा खासा एनर्जी के साथ बढ़िया डेमो वीडियो तैयार करना। क्लास 6 to 8 आप दे सकते हो, हमने PW के लिए एक फ्रैक्शन के लिए हमने एक डेमो वीडियो बनाई थी, वो चीजें आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद अपने डेमो का लिंक दे देना यहाँ पे, एंड आर यू कंफर्टेबल इन रिलोकेटिंग टू नोएडा, मतलब आपको नोएडा स्टूडियो में पढ़ाना है, ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है, आपको स्टूडियो रिलोकेट करना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा और स्टूडियो में पढ़ाना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यस लिख देना। अगर आप बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई ही कर रहे हो क्योंकि आपको बाहर जाकर के एक्सप्लोर करना है और पढ़ाना है PW में, तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे और आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं पहले जॉब के लिए जो भी मैंने बताया आपको नोएडा में पढ़ाना होगा, ठीक है। अभी इसमें सैलरी मेंशन नहीं किया गया है, आप आई थिंक शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो यहाँ पे सैलरी बता दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जॉब मैं आपको बताने वाली, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड को आपको पढ़ाना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड फैकल्टी को आपको पढ़ाना है, ओके। क्लास 9 to 12 ऑनलाइन सेगमेंट, मतलब ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी होगी, ठीक है। 9 to 12 बच्चों को आपको यहाँ पे पढ़ाना होगा, ओके। अब आते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए, तो आइए जानते हैं। एप्लीकेशन पे जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे बैचलर्स रिक्वायरमेंट ध्यान देना, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट एरिया में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपना नेम पुटअप करना है, सेम प्रोसेस जैसे पहला हमने बताया है। लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो पुटअप कर देना, फोन नंबर दे देना। शॉर्टलिस्ट होने के बाद उस फोन नंबर पे टीम आपसे अप्रोच करेगी। ईमेल आईडी अपनी जरूर प्रोवाइड कर देना, ठीक है। इसके बाद फिर नोटिस पीरियड, मतलब आप इमीडिएटली ज्वाइन करना चाह रहे हो या 7 दिन के अंदर, जो भी चीज है वो यहाँ पे क्लियर कर देना। इसके बाद करंट आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे पुट अप कर देना। अदरवाइज अगर नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे नल लिख देना, ठीक है। करंट अभी जो आपने वर्क किया या कर रहे हो तो आपकी सैलरी कितनी है एनम की, सीटीसी वो लिख देना यहाँ पे, कितने लाख है, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इस जगह पे इस रोल के पढ़ाने के लिए आपको कितनी सैलरी आपको चाहिए होगी रिक्वायरमेंट। पैन नंबर आपका क्या है वो भी यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो, मैथ्स, केमिस्ट्री, SST, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, उर्दू, जो भी पढ़ाना चाहते हो वो पुटअप, जैसे मैंने यहाँ पे SST के लिए किया पुटअप करके अपनी अच्छी खासी 10 GB की एक रेज्यूमे तैयार करके यहाँ पे एड फाइल करके आप वहां जा करके अपलोड कर देना। इसके बाद आर यू एबल टू रिलोकेट, क्या आप रिलोकेट कर सकते हो, तो यहाँ पे यस नो कर देना, मे बी जो भी आपको यहाँ पे सही लगे। इसके बाद डेमो वीडियो यहाँ पे इसेंशियल पार्ट है आपको सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो एक अच्छी से स्टैंडिंग पोजीशन में पीछे व्हाइट बोर्ड के सामने बढ़िया सा एक अपना डेमो तैयार कर लेना, ठीक है। जिस भी क्लास को आप पढ़ाना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट उससे रिलेटेड उस टॉपिक को तैयार कर लेना। और ये रहा टोटल, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना और आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिजिक्स वाला में हमने बताया 2 वैकेंसीज टीचिंग की चल रही है, आप अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी फिलहाल अभी इसमें मेंशन नहीं है, और जैसा कि हमने पूरा आपको दिखाया मेंशन नहीं है, और मेरे समझ से तो 50+ ही आपको मिलने वाला है सैलरी, क्योंकि आप रिलोकेट कर रहे हो तो 70-75 तो आप ये सपोज करके चलो कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। हमारे YouTube एल्गोरिदम में आता है, अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो बिल्कुल ये वीडियो और भी भाई बहनों तक पहुंच पाएगी। सो अगर अच्छा लगा वीडियो तो बिल्कुल लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।